होटल ट्रांसवेलिया सोनी पिक्चर्स द्वारा प्रेजेंट की गई एक और नई मूवी है, जिसके कि अब तक 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और 4th पार्ट अब 2022 में रिलीज हुआ है। तो आज हम इसी 4th पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो ताकि फ्यूचर में आपको ऐसे ही कॉन्टेंट मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। मूवी के स्टार्ट में हम ड्रैग और मैसिव की लाइफ के पुराने सीन्स को देखते हैं, जहाँ की ड्रैग अपने कैसल को होटल में कन्वर्ट कर देता है। मैसिव भी अब बड़ी हो चुकी होती है और उसका लाइफ पार्टनर बनता है जॉनी नाम का एक नॉर्मल लड़का। अगले सीन में ड्रैग अपने होटल की 125वीं एनिवर्सरी मना रहा होता है, जिसमें कि दुनिया भर से मॉन्स्टर बुलाए होते हैं कि इस पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ आए होते हैं। सन की सारी तैयारी जॉनी ने की होती है और ड्रैग को पता होता है कि इसमें कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। उस पार्टी में गड़बड़ होती भी है, पर ड्रैग सबको फ्रीज करके सब ठीक कर देता है। ड्रैग अपनी वाइफ एरिका को बताता है कि वो अब रिटायर होने वाला है और होटल की जिम्मेदारी मैसिव और जॉनी को देने वाला है। ये सब मैसिव अपनी पावर्स की वजह से सुन लेती है और जॉनी को बताती है। जॉनी एक्साइटमेंट में ड्रैग के पास जाता है, जाकि ड्रैग अपनी स्पीच तैयार कर रहा होता है तो जॉनी उसे बताता है कि कैसे वो होटल को मैनेज करेगा। उसकी बातें सुनकर ड्रैग को लगता है कि जॉनी उसका होटल बर्बाद कर देगा, तो अपने प्लान को ड्रॉप कर देता है। ये सब सुनकर मैसिव हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ड्रैग अपना होटल उसके नाम करने वाला है। मैसिव उससे बात करने की कोशिश करती है, पर ड्रैग बहाना बनाकर पार्टी से चला जाता है। जॉनी को पता चलता है कि ड्रैग ने उसे इंसान होने की वजह से होटल की जिम्मेदारी नहीं दी, तो वो दुखी होने लगता है। उसकी बातें वहीं पर बैठा एक बूढ़ा मॉन्स्टर हंटर सुनता है। वो उससे कहता है कि वो उसे मॉन्स्टर बना सकता है। बूढ़ा मॉन्स्टर हंटर जॉनी को अपने साथ ले जाता है, जहां एक क्रिस्टल वाली स्टिक से वो जॉनी को मॉन्स्टर में बना देता है। इसके बाद जॉनी ड्रैग से मिलने जाता है ताकि ड्रैग अपना होटल की जिम्मेदारी उसको दे सके, पर ड्रैग उसे इस रूप में देखकर फिर इंसान बनाने की कोशिश करने लगता है, जिसमें कि गलती से ड्रैग ही इंसान बन जाता है। वो काफ़ी दुखी होता है और उस स्टिक से खुद को ठीक करने की सोचता है, पर वो स्टिक टूट चुकी होती है। जॉनी ड्रैग को लेकर उस मॉन्स्टर हंटर के पास जाता है। वो हंटर उसे बताता है कि वो उसे ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि स्टिक टूट चुकी है और वो स्टिक उसके पास सिर्फ एक ही होती है। वो हंटर उन्हें बताता है कि उन्हें अगर ऐसे स्टिक चाहिए तो उन्हें साउथ अमेरिका की एक गुफा की ओर जाना होगा, जहाँ उन्हें वो मैजिकल क्रिस्टल मिलेगा। होटल में क्रिस्टल स्टिक की वजह से पानी का फुहारा ग्रीन पानी के फुहारे में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे कि ड्रैग के दोस्त शरबत समझकर पी जाते हैं और वो भी मॉन्स्टर से इंसान में कन्वर्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर ड्रैग और जॉनी एक प्लेन से साउथ अमेरिका पहुंचते हैं, जहाँ की ड्रैग ट्रैफिक में फंस जाता है पर जॉनी उसे बचा देता है। होटल में ड्रैग के दोस्तों को मैसेज देख लेती है और उन्हें पता चलता है कि ड्रैग अब इंसान बन चुका है। ड्रैग और जॉनी एक खतरनाक रास्तों से होते हुए जंगल में घुसते हैं। मैविस और एरिका उन्हें ढूंढने के लिए अपनी शिप निकालते हैं, जिसमें कि ड्रैग के दोस्त भी उनकी मदद करने के लिए आते हैं और मैविस बैड फॉर्म में आकर अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से उन्हें ढूंढ लेती है। पर जॉनी और ड्रैग एक गलत रास्ते पर चले जाते हैं और वो पहाड़ी से गिरने ही वाले होते हैं कि जॉनी उड़ने लगता है और ड्रैग को बचा देता है। रात होने के कुछ देर बाद ही मैविस बाकी सब उनको ढूंढ लेते हैं, पर ड्रैग की बातें सुनकर जॉनी वहाँ से चला जाता है और वो और भी बड़ा होने लगता है। बाकी सब क्रिस्टल की तलाश में जाते हैं, पर मैविस जॉनी के पीछे चली जाती है। ये सब खतरनाक रास्तों से होते हुए एक केप तक पहुँचते हैं। जॉनी रिसिव होकर मैसिव पर ही अटैक करने लगता है, पर मैसिव उसका ध्यान खींचकर उसे केप की तरफ ले जाती है, जहाँ केप में मैसिव और ड्रैग को एक रेड क्रिस्टल मिलता है। पर केप के बाहर से जॉनी केप को तोड़ने लगता है, इसकी वजह से केप के अंदर बड़े बड़े क्रिस्टल गिरने लगते हैं। पर मैसिव उस क्रिस्टल को लेकर जॉनी पर यूज़ करती है, जिससे कि वो फिर से इंसान में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी सब भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर जैसे ही वो सब होटल में पहुँचते हैं तो वहाँ एक बड़ा चूहा मॉन्स्टर उनका होटल तोड़ देता है। ये सब मैजिकल स्टिक की वजह से उसको फिर से चूहा बना देते हैं। कुछ टाइम बाद ये सब मिलकर होटल को फिर से बनाते हैं और इसकी जिम्मेदारी ड्रैग मैसिव और जॉनी को दे देता है
और इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।